आपका स्वागत है। आपको सुनाते हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी फायदा लेने के लिए 10% आरक्षण दिया तो था, लेकिन उसके साथ शर्तें इतनी रख दी कि किसी का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा था, और जब सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसको इस आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। यहाँ राजस्थान में जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास लोग गए, इतना संवेदनशील तरीके से उन्होंने निर्णय किया, एक झटके में सारे राइडर्स, सारी शर्तें उन्होंने हटा दी। सिर्फ अब 8 लाख तक की जो आय की सीमा है वही एक मापदंड रखा गया है। अब लोगों के सर्टिफिकेट बनने लगे हैं और ये जो 10% आरक्षण है इसका लाभ आम आदमी को मिलने लगा है। राजस्थान में एक अलग ही तरीके का वातावरण बना इन वर्गों के अंदर, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद पहली बार इन वर्गों को जो सवर्ण हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण का लाभ देना राजस्थान की सरकार ने सुनिश्चित किया है। सर, आज नर्सेज हैं वो मिले हैं और बहुत बड़ी भर्ती है नर्सेज की, इसमें AWS आरक्षण की मांग को लेकर के मिले हैं, क्या रहेगा सर इनका, क्योंकि उच्च स्तर पर अधिकारी से मिल चुके हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि फाइनेंस में पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। नहीं, हम अपने अधिकारियों के साथ बात करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। सब लोगों की भावनाएँ हैं इस ज्ञापन के माध्यम से, आज ये मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, तो जो अगर अधिकार इन लोगों का बनता है तो उस अधिकार के लिए हम अधिकारियों से चर्चा करके कैसे इनको लाभ मिल सकता है उस पर बात करेंगे। रघुजी शर्मा जिंदाबाद, रघुजी शर्मा जिंदाबाद, रघुजी शर्मा जिंदाबाद। हमारे चिकित्सा मंत्री कैसे हो? रघु शर्मा जैसे हो। हमारे चिकित्सा मंत्री कैसे हो? रघु शर्मा जैसे हो। 11 बजे रघु शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघु शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एसोसिएशन के पदाधिकारी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से EWS के तमाम राइडर्स को हटाकर एक ही राइडर लगाया गया, उससे राजस्थान के अंदर एक अलग तरीके का माहौल बना है। और जो एसोसिएशन है वो आज मुख्यमंत्री से भी मिलने वाली है और उनकी जितनी भी जायज मांगे उनको उनके सामने रखा जाएगा।